बात करते हैं बड़ी खबर से, आगरा से बड़ी खबर है। अग्निपथ के विरोध की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद के नाम से ग्रुप बनाया गया था और ग्रुप से अभ्यर्थियों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था एक फौजी, आरोपी का भाई कर रहा था सेना की तैयारी और पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना मलपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, अग्निपथ के विरोध को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और जो चैट हुई थी देखिए आपको दिखा भी रहे, व्हाट्सएप के जरिए युवाओं को भड़काया जा रहा था। इंकलाब जिंदाबाद के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और अभ्यर्थियों को भड़काने का प्रयास इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को एक फौजी चला रहा था। आरोपी का भाई चूंकि फौज की तैयारी कर रहा था, सेना की तैयारी कर रहा था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के चैट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी व्हाट्सएप ग्रुप के तहत युवाओं को भड़काया जा रहा था अग्निपथ योजना को लेकर। देखिए चैट भी सामने आई है, एक फौजी बताया जा रहा है इस व्हाट्सएप ग्रुप को चला रहा था और इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए किस तरह से युवाओं को अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़काया जा रहा था इस बात का खुलासा हुआ है। तो आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब में तैनात एक फौजी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिया गया फौजी लांस नायक के पद पर तैनात है। आरोप है कि साजिश के तहत सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। बाकायदा इंकलाब जिंदाबाद के नाम से ग्रुप बनाया गया था और हिरासत में लिए गए फौजी पर सोशल मीडिया पर ग्रुप ऑपरेट करने का भी आरोप है। ग्रुप में मैसेज डालकर लगातार अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री को लेकर भी अभद्र टिप्पणी का आरोप है। आगरा के थाना मलपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस साजिश का पर्दाफाश किया है और हिरासत में लिए फौजी के भाई भी सेना की तैयारी कर रहा था, इस बात का भी खुलासा हुआ है और इसीलिए वो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा था। अग्निपथ को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में और देश भर में हिंसा भड़की थी, आगरा में भी हिंसा हुई थी, उसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को भड़काया जा रहा था, इस बात का पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है और एक फौजी इस व्हाट्सएप ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था और इसी ग्रुप के जरिए युवाओं को अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़काया जा रहा था। बढ़ते आगे, सहारनपुर से बड़ी खबर है। चोरी के शक में युवक को रस्सी से लटकाया गया है। युवक को बांधकर लटकाने का वीडियो वायरल हुआ है और गंदेबड़ इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। मजिस्ट्रेट फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन युवक को बांधकर लटकाने का वीडियो वायरल हुआ। देखिए ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि चोरी के शक के बाद इस युवक को पेड़ से बांधकर लटकाया गया, इसकी पिटाई भी की गई है। हालांकि न्यूज स्टेट इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले तो चोरी के शक में एक युवक को हाथ बांधकर लटकाया जाता है, फिर उसके ऊपर लाठी और डंडों से प्रहार किया जाता है। तो युवक को बांधकर लटकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गंदेबड़ इलाके का यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सीतापुर से बड़ी खबर है। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हो गई है। गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का आरोप है और परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर भी दी है। पिसावा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत हुई है। परिजनों की तरफ से यह आरोप लगाया गया है और परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। पिसावा थाना क्षेत्र की यह घटना। बढ़ते आगे, गाजियाबाद की साइबर सेल और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। इंदिरापुरम थाने में FIR दर्ज